पल रिपेयरिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ जो BS6 का सामने का ब्रेक जाम होने से भी आपको क्या करना है, ब्रेक एडजस्ट कैसे करना है, तो ब्रेक रनिंग में चक्का गर्म होने के बाद आपको क्या क्या चेक करना है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो पहले आपको ये देखिए स्क्रू दोनों खुल के उसका ड्राम खुलना है, ब्रेक ड्राम जो है। सोचिए आपका गाड़ी का टायर गर्म हो गया, रनिंग में 1-2-3 किलोमीटर चलने के बाद आपका टायर गर्म हो जाता है, तो आपको कैसा ये क्या चेक करना है, क्या प्रॉब्लम है आपका, आप भी चेक कर सकता है। तो सोचिए पहले हम उसको खोल देता हूँ। देखिए ड्राम कैसे खुलना है, तो स्क्रू दोनों खुलने के बाद आप आराम आराम से मातुल से मारना है, मारने के बाद आपको ये ड्राम खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मेरे साथ बनी रही, मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों जब मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हॉट टाइम ऐसा वीडियो को आपको देखने को मिलता रहेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए तो वो ड्राम निकाल दिया, देखिए कैसा निकला है। तो उसका बाद क्या करना है, आपको क्या चेक करना है, आपका छक्का जाम होने से भी 2-3 प्रॉब्लम रहता है, ये 2-3 से एक प्रॉब्लम को आपको ज़रूर होना है। तो पहले देखिए स्क्रू ड्राइवर ऐसा लगा कि ये जो रबर का जो बकेट देखने को मिल रहा है तो वो फ्री है ना, जाम है। तो आप भी ब्रेक मार के चेक कर सकता है, जब आपका ये बकेट जाम होने के बाद आप ब्रेक मारने से भी बकेट ब्रेक पकड़ेगा, उसका बाद ब्रेक चुनने का बाद ये जो स्प्रिंग देखने को मिल रहा है ये स्प्रिंग आपको अपना आप नहीं आएगा, इसलिए चक्का जाम हो जाता है कोई कोई टाइम। देखिए हम अभी ब्रेक मार के चेक कर रहा हूँ, देखिए चल रहा है उसको। जब आपका ये बॉकेट सोचिए आपका फ्री है, उसका बाद देखिए ये एग्जस्टर, ये एग्जस्टर ऑटोमेटिक है, जितना ब्रेक शो खाएगा इतना ही आपका एग्जस्ट बढ़ता रहेगा, तो आपको एग्जस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये पॉकेट जाम होने का, उसके बाद देखिए ये स्प्रिंग टूट जाने से भी आपका चक्का गर्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक मारने का टाइम जो ब्रेक शू ड्राम में लगेगा फिर भी आप उस नहीं आएगा, इसलिए चक्का जाम हो जाएगा। उसके बाद ये पॉकेट जाम होने से भी आपको चक्का जाम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक मारने के बाद जो पॉकेट मिलेगा तो स्प्रिंग छुटा स्प्रिंग है तो टालने भी नहीं आएगा। तो देखिए ये पॉकेट पहले आपको चेक करना है फ्री है कि ना जाम है, तो उसके बाद ये स्प्रिंग चेक करना है, ये दोनों से एक आपका ब्रेक का प्रॉब्लम चक्का जाम होने का प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद आप ब्रेक शू खुलने का टाइम खाली इधर में दोनों इस पट्टी का लॉक है, ये खुलने के बाद भी आप अपना से निकल जाएगा ब्रेक शू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाऊंगा ब्रेक शू कैसा फिटिंग करना है। तो दोस्तों